तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? टिश्यू चैप्टर। हमने क्या किया था बच्चों पिछली बार, जो कोई पिछले क्लासेस हुए थे उसमें क्या देखा था हमने? इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव अब मस्कुलर टिश्यू देखा था। आज तो आज हम कौन सा टिश्यू पढ़ने वाले, कौन सा टिश्यू पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या किया था बच्चों, जो कोई ह्यूमन बॉडी उसके जनरल कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं बच्चों? कितने टाइप्स के होते? चार टाइप्स के। कौन कौन से? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इनकी क्या की थी बच्चों हमने? जनरल ओवरव्यू फंक्शंस देखे थे। क्या कौन कौन से देखे थे? चलो मेरे साथ रिवाइज करो जल्दी से। कौन कौन से देखे थे हमने? इपिथेलियल टिश्यू के कौन सा फंक्शन रहता है, जो कि बॉडी के प्रोटेक्शन का काम होता है या कवरिंग का काम होता है, वो कौन करता है बच्चों? इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का जनरल एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं हम? हम देखते हैं क्या कि हमारी जो कि स्किन है, स्किन को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? इपिथेलियल टिश्यू। और सेकेंड वन कौन सा देखा था हमने? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम नाम में ही देखे दे, नाम उसका नाम ही क्या बोल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि कनेक्ट समथिंग, विच कनेक्ट समथिंग, मतलब क्या कर रहा है? कुछ तो कनेक्शन बना रहा है बॉडी में। थर्ड वन कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू बच्चों। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हो आप? जिम तो जाते होंगे बच्चे। हम लेडीज, हमारे जो का लेडीज ऑडियंस है उनको छोड़ के मे बी लेडीज भी जाती होंगी जिम में। हम क्या करते हैं वहाँ पे बच्चों? जिम में जाके क्या करते हैं? मस्ती करते हैं। वैसा है क्या? नहीं, जिम में जाके हम क्या करते हैं? मसल्स ट्रेन करते हैं। कौन कौन से? जो कोई बाइसेप्स होते हैं। हम देखते हैं कि क्या करते हैं बॉयज, बाइसेप्स फ्लेक्स करके आवारागर्दी करते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? आप जिम में जाके जो मसल्स ट्रेन करते हो, कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स हुए, ट्राइसेप्स हुए, जो कोई एप्स आप एप्स एप्स बनाते हो, ये मसल्स कौन से किस में आएंगे? सब मस्कुलर टिश्यू में आएंगे। मस्कुलर टिश्यू में भी स्पेसिफिकली कहाँ आएंगे? स्केलेटल टिश्यू में। और बाद में कौन सा? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है बच्चों? नर्वस टिश्यू जो कोई सिग्नल है, फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल से सुनो, क्या हुआ? आपके हाथ में एक मच्छर बैठ गया। क्या बैठा? मच्छर बैठ गया। फिर क्या करेगा जो मच्छर बैठा, वहां से क्या हो जाएगा? सेंस करके वो कहाँ तक चला जाएगा? हमारी ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करेगा? अच्छा, मतलब क्या है? सर के हाथ में मच्छर बैठा है, तो इसको क्या करो? एक तो ऐसे हटाओ या इसका मर्डर कर दो। फिर ये क्या करेगा? ब्रेन एनालिस करेगा उसको। किसको एनालिस करेगा बच्चों? जो हमारा मच्छर बैठा है हाथ पे, उसको एनालिस करके वो क्या करेगा कि एक सिग्नल देगा। सिग्नल मतलब क्या? एक मोटर न्यूरॉन रहता है, मोटर न्यूरॉन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ के चलो, क्या रहता है? मोटर न्यूरॉन। बच्चों क्या रहता है बच्चों? मोटर न्यूरॉन रहता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? सिग्नल लेके आता है। कहाँ लेके आता है? कहाँ लेके आता है बच्चों? सिग्नल लेके आता है। समझ रहे हो? और जो सेंसरी न्यूरॉन है, वो क्या करेगा? सेंस करके जाएगा, सेंस का काम करेगा। समझ रहे हो? टिश्यू ओवरऑल कितने टाइप्स के होते हैं? क्लियर है? तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था बच्चों? हमने मस्कुलर टिश्यू और इपिथेलियल टिश्यू खत्म किया था। आज हम कौन सा पढ़ने वाले? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? कनेक्शन का काम करेगा कुछ तो भी। चीजों को भूलना नहीं है बच्चों, अगर डाउट रहा तो पूछो। हाँ, सबसे पहले क्या देखेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू का? क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। अब क्या रहता है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं? इपिथेलियल टिश्यू से कंपेयर करते हैं। हमने इपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसे देखा था कि ऐसे सेल्स रहते, ये सेल्स होते हैं, इनके बीच में क्या रहता है बच्चों? वेरी लिटल इंटर सेलुलर स्पेस रहता है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? इंटर सेलुलर स्पेस, वो भी कैसा? लेस। अभी इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं? आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई कि सम टिश्यूज आर प्रेजेंट विच फॉर्म्स द मैट्रिक्स इन ब्रैकेट ग्राउंड सब्सटेंस, ऐसा कुछ तो भी दिया है। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम? मैट्रिक्स बोलते।
तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है आप सबको, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स बोलते। अब क्या रहता है एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू का लेयर कैसा रहता है कि सेल्स सेम ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन क्या होता है उनका जो कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब क्या, जो कोई बीच का सॉलिड सब्सटेंस है, वो क्या रहता है बच्चों, थोड़ा ज्यादा रहता है। एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? अब क्या रहता है एक्चुअल जो का कनेक्टिव टिश्यू सेल से, वो कैसे पड़ी रहती है ऐसे दूर दूर, ये इधर एक सेल हो गई, एक बीच में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे सेल्स पड़ी रहती है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहता, क्या रहेगा, अभी बात की थी हमने क्या, मैट्रिक्स। ये क्या हुआ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अपनी कॉपी में बनाने का है, नहीं तो पनिशमेंट कर दूंगा। कॉपी में बनाते चलो, ऐसे नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और बाद में उसको देखा ही नहीं। हाँ तो बच्चों ये क्या है, ये सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, और ये एक्चुअल में क्या है, क्या है, अभी बात की थी हमने क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ नहीं बच्चों, ये क्या रहता है, पॉलीसेकेराइड्स रहते हैं कुछ, जो मॉडर्न पॉलीसेकेराइड रहते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या सीक्रेट कौन करता है इसको, यही। अरे मैट्रिक्स इपिथेलियल टिश्यू के कंपैरिजन में कैसा है, अबंडेंट मैट्रिक्स है, मतलब क्या, मोर है, अबंडेंट मैट्रिक्स, ये सीक्रेट कौन करता है, सेल सीक्रेट मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? क्या ही पढ़ा है हमने, क्या देखा है, सिर्फ जो कई सेल्स रहते हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यू के, वो क्या रहते हैं, थोड़े इपिथेलियल टिश्यू के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर पड़े रहते हैं, वो जो कई सेल्स है वो क्या सिक्रेट करते हैं, यहां से कुछ तो भी पॉलीसेकेराइड सिक्रेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और इपिथेलियल टिश्यू के कंपैरिजन में मैट्रिक्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है वो क्या है, अबंडेंट है। बातें क्लियर है सबको? अब क्या रहता है कनेक्टिव टिश्यू में, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स पड़े रहते, कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या देखा था, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी, मतलब क्या रहता है, यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स रहते बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अब क्या, हमने डब्ल्यू बी सी देखे, डब्ल्यू बी सी कौन कौन से, डब्ल्यू बी सी के हम दो टाइप देखते, कौन कौन से, रिवाइज करो, कौन कौन से, जिसमें जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पड़े रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्यूलोसाइट, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं रहते उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अग्रैन्यूलोसाइट। इतना तो क्लियर है ना, क्या ये भी पढ़ाना पड़ेगा? हाँ ठीक है, समझो, क्या साइटोप्लाज्म रहता है उसमें क्या रहता है बच्चों, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ दाने पड़े रहते, प्रोटीन के ऐसे छोटे छोटे दाने पड़े रहते, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। अब क्या रहता है, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पड़े रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ग्रैन्यूलोसाइट, और जिनके नहीं है उनको क्या बोलते हैं, अग्रैन्यूलोसाइट। फिर ग्रैन्यूलोसाइट के क्या होते हैं, चलो थोड़ा सा क्या करते हैं, बच्चों को दिक्कत है डब्ल्यूबीसी समझने में, हो तो क्या करें, छोटा सा ये करें क्या, मेरे हिसाब से ठीक है, डब्ल्यूबीसी का थोड़ा ये देखो, डिस्क्रिप्शन देखो क्या, स्मॉल, इसको साइड में कॉपी में बनाने का है अपने, सबसे पहले क्या, ग्रैन्युलोसाइड, सेकेंड वन क्या, अग्रैन्युलोसाइड। अब क्या रहते हैं बच्चों, जो ग्रैन्युल्स रहते हैं एक्चुअल में किस में प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में, उसके फिर फर्दर कितने टाइप्स पड़ते हैं, तीन टाइप्स, सबसे पहले कौन सा, ऐसे बनाता हूँ, इओसिनोफिल, सेकेंड वन कौन सा, बेसोफिल, थर्ड वन कौन सा, कौन सा, थर्ड वन न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, और इसके कौन से दोनों टाइप, दो टाइप्स रहते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसको क्या करो, एक कॉपी में बना लो, हम क्या करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर देख लिया तो इनका भी डिटेल स्ट्रक्चर अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। आप कह रहे थे बच्चों डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब क्या है,
हमारी बॉडी की एक प्रकार से क्या है, आर्मी है। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, फंगाई, जो कोई भी फॉरन एंटीजन है, वो क्या करेगा हमारी बॉडी पे हमला कर देगा। तो क्या करेगा हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी जो है वो खुद को ऐसे अडेप्ट करके रखती है। मतलब क्या है, जो कि WBC सेल्स है, ये मतलब क्या है हमारी बॉडी की सेकेंड आर्मी है। समझ रहे हो, सेकेंड आर्मी मतलब क्या होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब ऐसे समझो कि वो हमारे क्या है, दुश्मन है। वो क्या करेंगे, इनके बीच में क्या होएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी जब बैक्टीरिया आ जाएगा। तो क्या रहता है, जो बेसोफिल्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम, मास सेल्स। ये सीक्रेट क्या करते हैं, हिस्टामाइन, जो एंटीकोगुलेंट है। मतलब क्या, किसी चीज को कोगुलेट करना है, मतलब कौन सीक्रेट करेगा, बेसोफिल्स। इओसिनोफिल क्या करेगा बच्चों, इओसिनोफिल मतलब एक्चुअल में क्या रहता है कि जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। वो क्या हुआ, सपोज हमने एक सेल लिया, सेल में क्या है, ग्रैन्यूलेटेड सेल लिया, फॉर एग्जाम्पल इओसिनोफिल ले लिया, उसको क्या करेंगे हम, एक डाइस स्टेन करेंगे। कौन से डाइस है, दो तीन डाइस स्टेन करेंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, सिर्फ वो एक ही डाइस स्टेन होता है। कौन से, यूसिन नाम का डाई रहता है, वो रेड पिगमेंटेड डाई रहता है, सिर्फ वो उसी से होता है। इसलिए उस सेल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूसिनोफिल। ये एसिडिक डाइस स्टेन होता है सिर्फ, किससे, एसिड से। अब बेसोफिल्स, नाम में ही समझ रहा है कि क्या है, बेस है, मतलब क्या होगा, बेसिक डाइस स्टेन होगा। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ब्लूइश रहता है, ब्लूइश समझ सकते हो। अब न्यूट्रोफिल क्या है, कि न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल। अब केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा आपने कि एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। तो इसकी ये क्या होता है, किसी से भी स्टेन नहीं होता है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या रहते हैं, मोनोसाइट। एक्चुअल में इसको हम क्या बोलते हैं, फागोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस बोलते हैं। ये कौन सा फंक्शन करता है, फागोसाइटोसिस। मतलब क्या, जब बैक्टीरिया आएंगे तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम अमाउंट में, मतलब क्या, ऐसे कुंभकर्ण की तरह फैलेगा वो, खुद को कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वो, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या करेगा, इनगुल्फ करेगा, मतलब क्या, ऐसे इसको पकड़ के फिनिश कर देगा। समझ रहे हो। और लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं एक्चुअल में, एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के। क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म एंटीबॉडीज। हम देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन बॉडी में। क्लियर है WBC? अब हमारे स्ट्रक्चर में देखते हैं, WBC क्लियर है, सभी ने अपनी कॉपी में बना लिया, रफ कर दूं। WBC का जो कि डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार नोट कर लो सब। इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर अगली स्लाइड में देखेंगे, जल्दी से नोट कर लिया, ठीक है, रफ कर दूं, ठीक है। WBC क्या रहती है बच्चों, एक्चुअल में जो कोई हमारी बॉडी की, हम बोलते हैं ना, हम बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कहीं से भी, उसी को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, WBC। ऐसे टर्म्स तो यूज नहीं करेंगे कि हमारी बॉडी की आर्मी है, ऐसे टर्म्स यूज करेंगे क्या हम बायोलॉजिकल टर्म में, या ऐसा कुछ लिखेंगे क्या एग्जाम में, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, सर WBC है। अब क्या रहता है बच्चों, हाँ तो हम कहा थे, सेल्स, सेल्स पर थे। हाँ तो क्या रहता है, हमने कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स देखे। ये सेल्स क्या करने वाले, क्या करने वाले बच्चों, मैट्रिक्स सीक्रेट करने वाले। अतः एक्चुअल में मैट्रिक्स में क्या रहता है, बोट टाइप के सेल्स रहते हैं। अतः फॉर एग्जाम्पल एक फाइब्रोब्लास्ट, अब वैसे तो फाइब्रोब्लास्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इओसिनोफिल्स भी रहते हैं, बेसोफिल्स भी रहते हैं, एडिपोसाइट्स भी रहते हैं। लेकिन क्या, एक स्पेशल टाइप का सेल रहता है, कौन सा सेल रहता है बच्चों, ये कौन सा सेल है, फाइब्रोब्लास्ट। और ये क्या करेगा, अरे क्या करेगा ये, अरे कलर बहुत कम है हमारे पास, हाँ ये क्या करेगा, फाइबर सीक्रेट करेगा। जो कलर ऑप्शंस बहुत कम है, अरे फाइबर सही से बीच बीच में से पड़े रहेंगे, ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट।
फाइब्रोब्लास्ट। अब ऐसे नहीं कि फाइब्रोब्लास्ट में ब्लास्ट वर्ड आएगा इसका मतलब कि क्या धमाका वगैरह करेगा, ऐसा इसका मीनिंग लेने का नहीं। ब्लास्ट का मतलब क्या है बायोलॉजिकल टर्म में, कि वो कोई चीज बना रहा है, मतलब क्या कर रहा है, विच फॉर्म समथिंग न्यू, मतलब क्या है ब्लास्ट। और क्या क्या बना रहा है वो, फाइबर्स बना रहा है, मतलब क्या, ये फाइबर्स बना रहे। अब तुम बोलोगे सिर्फ फाइबर्स का काम क्या है, अब ये फाइबर्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से, इट मे बी कोलाजन फाइबर्स, और कौन से, इलास्टिक फाइबर, बहुत टाइप्स के रहते हैं। अब क्या इमेजिन करो कि फाइबर्स क्यों रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, फाइबर्स की क्या जरूरत रहेगी। अब एक्चुअल में क्या करते हैं फाइबर्स, फंक्शंस लिखो इनके, क्या करेंगे ये फाइबर्स, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे किसको, कनेक्टिव टिश्यू के सेल को, क्या करेंगे सबसे पहले स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, सेकेंड वन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे बच्चों, और थर्ड वन क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अभी आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि क्या, अगर सिंगल हम एक सिंगल लकड़ी लेते हैं तो उसको तोड़ने में क्या हमें इजी जाता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं एक साथ चार पांच लकड़ियां लेते हैं तो उसको तोड़ने में क्या हमें दिक्कत आ जाएगी। सेम उस सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है, क्या है कि ये जो फाइबर्स है ये क्या करते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में। अब इनको तोड़ना क्या है पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या है, सबसे पहले स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, सेकंड क्या इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे, मतलब क्या वो ऐसे खींचेंगे या ऐसे खींचेंगे, मतलब क्या हो रहा है सेल क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, इलास्टिसिटी का एक ही टाइप है, फ्लेक्सिबल मतलब क्या कि ये सेल फ्लेक्स हो रहा है, मुझे फ्लेक्स हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट रहता है ये सब जो भी जितने भी हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले सब में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ एब्सेंट कहाँ रहता है, प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू पॉइंट है, इसलिए नोट डाउन कर लो, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, क्या रहता है ब्लड में एब्सेंट रहता है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। स्ट्रक्चर क्लियर है सबको, इसके अलावा हमें स्ट्रक्चर में कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। हमने क्या देखा था, सबसे पहले एक सेल रहती है कनेक्टिव टिश्यू की, क्या रहती है, दूर दूर पड़ी रहती है, वो क्या सिक्रेट करती है, मैट्रिक्स सिक्रेट करती है, मैट्रिक्स क्या है, वन टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, हाँ समझ में आ गया। फिर क्या रहता है कि कनेक्टिव टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, कौन कौन से देखे थे हमने, WBC देखी थी, उसमें से भी कौन से, जो कोई इओसिनोफिल्स रहते हैं, जो बेसोफिल्स रहते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मैट्रिक्स में, समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स में। फिर हमने क्या देखा था, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट ब्लड। ये कॉपी में रेड पेन से बना लो आप, बहुत बार पूछा चुका है एमसीक्यू। फिर हमने क्या देखा था कि फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट का मतलब क्या था कि कुछ फाइबर्स बना रहे, कौन कौन से फाइबर्स बना रहे हो, इट मे बी कोलाजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स, दो तीन टाइप्स के फाइबर्स रहते हैं। फिर हमने क्या देखा था, फंक्शन देखा था, फंक्शन क्या करती है वो, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी दे रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। क्लियर है सबको, स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत है, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में बना लो जल्दी से, जो बच्चा लिखेगा नहीं उसको मैं उसके घर पे आके पीटूंगा, फिर देख लो, फिर जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सॉरी, उसको क्या कर चलना है बच्चों, कॉपी में बनाना है। अगली बार बार क्या करेंगे बच्चों, थोड़े से कलर ऑप्शंस बेटर मिले तो ठीक है, बना लिया कॉपी में, रब कर दूं, ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर क्लियर है सबको, अब गया वो। बाद में क्या, फंक्शंस, फंक्शंस कौन से देखे थे हमने, कौन से देखे थे फंक्शंस, जल्दी से रिवाइज करो, सबसे पहले कौन सा देखा था, स्ट्रेंथ, सेकेंड वन इलास्टिसिटी, थर्ड वन फ्लेक्सिबिलिटी। यही फंक्शन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।
पिछली स्लाइड में नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने, रब कर दूं। ठीक है, फंक्शंस क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे हम, उनकी फाइंडिंग्स देखेंगे। फाइंडिंग्स मतलब क्या, कि एक्चुअल कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। आप तो बच्चे होशियार हो गए, सबको पता चल चुका होगा लेक्चर हमने जो के जो कुछ पढ़ा है। सबसे क्या है, सबसे पहले क्या मिलेगा बच्चों, सेल्स मिलेंगे। सेकेंड क्या मिलेगा, जो मैट्रिक्स का कंटेंट रहता है उसको हम देखेंगे कि एक्चुअल में मैट्रिक्स किससे बनता है। और थर्ड वन कौन सा, कि फाइबर्स कौन कौन से मिल रहे हैं उसमें, फाइबर्स कौन कौन से मिल रहे हैं। अब सेल्स में हमने क्या क्या देखा था बच्चों, मैक्रोफेजेस, सेकेंड कौन सा देखा था, मास्ट सेल। अब क्या रहते हैं, जो मोनोसाइट्स देखे थे हमने डब्ल्यूबीसी के डिस्क्रिप्शन में, वही क्या बन जाते आगे, मास्ट सेल्स बन जाते, अब माइक्रोफेजेस बन जाते। और जो बेसोफिल्स देखे थे वो क्या बनेंगे, मास्ट सेल्स। ये है बेसोफिल और ये क्या है, मोनोसाइट। और क्या मिलेंगे हमें, इसमें मिलेंगे बी सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर है, ये मेन मेन सेल्स है। अब मैट्रिक्स एक्चुअल में किस चीजों से बनता है, मैट्रिक्स में कुछ कुछ नहीं रहता, हमने क्या बोला था, पॉलीसेकेराइड, मतलब क्या, कार्ब्स रहेंगे इसमें और स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन भी रहता है, मतलब क्या, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी रहती है मैट्रिक्स। फाइबर्स कौन 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 से देखे थे हमने, सबसे पहले कोलाजन फाइबर, सेकेंड वन रेटिकुलर, एंड थर्ड वन ये कौन सा रह गया, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिन। क्लियर है फाइबर्स, क्लियर है फाइंडिंग्स, क्लियर है फाइंडिंग्स का मतलब क्या, हमें कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या एक्चुअल में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, सेल्स में मिल रहा है। तो हमने क्या क्या देखा बच्चों, सेल्स में, सेल्स में हमें कौन कौन सी सेल्स मिल रही है, मैक्रोफेजेस, मास सेल्स, बी सेल्स, स्मॉल अमाउंट में लिम्फोसाइट्स भी रहती है इसमें और एडिपोसाइट्स भी रहती है, एक और कौन सी, एडिपोसाइट्स। क्लियर है सबको, एडिपोसाइट्स, कॉपी में नोट डाउन कर लो जल्दी। फाइंडिंग्स, रफ कर दूं, कर दूं रफ, ठीक है। अब क्या देखने का है हमें, टाइप्स। एक्चुअल में बच्चों आज तुम्हारे लिए हमने, मैंने कल किया है एनसीईआरटी साथ में लेके आया हूँ, मतलब क्या करेंगे हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, मतलब क्या होगा, हमारा नीट का स्कोर बढ़ेगा। एक्चुअल में क्या रहता है बच्चों, नीट का क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस का मतलब क्या है, नीट में एक आध लाइन एज इट इज उठा के नीट में, नीट के पेपर में डाल दी और उसमें से क्या करेगा, कौन सा एक आध वर्ड गायब कर देगा और वही एमसीक्यू में दे देगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब जब हम, अब आप मेरे लेक्चर्स लगा रहे हो, मतलब क्या, मैं आपसे एनसीईआरटी फिक्स, जो 11th और 10th की एनसीईआरटी है, 11th और 12th की, उसको क्या लाइन टू लाइन हाईलाइटेड पॉइंट्स कौन से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से, सबका क्या करवाऊंगा, रट्टा। मतलब क्या, उसको हम क्या करेंगे, एकदम सिंपली वे से समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप कौन सा था हमारा, हमें टाइप्स देखने थे। टाइप्स का मतलब क्या है बच्चों, कि एक्चुअल में कनेक्टेड टिश्यू उसके मेजरली कौन कौन से टाइप्स है, मतलब क्या, कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो क्या करो, मैं जो ट्री डायग्राम बना रहा हूँ उसको क्या करो, अपने साथ साथ में कॉपी में बनाते चलो, ठीक है। सबसे पहले क्या, कनेक्टिव टिश्यू, वो मेजरली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड बच्चों, तीन पार्ट्स में। सबसे पहले टाइप्स कौन सा, कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को मैं सीटी से लिख रहा हूं, समझ लेना आप। फिर कौन सा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड वन कौन सा है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या है, कुछ तो भी स्पेशल काम कर रहे हो। स्पेशलाइज सिटी, समझ रहे हो। अब इनके हमें क्या है, नाम में दिख रहा है कि क्या, सबसे पहले टाइप्स कौन सा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या, जो फाइबर्स रहते हैं इसमें, फाइबर्स कौन बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, वो क्या क्या रहेंगे, लूजली पड़े रहेंगे ऐसे, समझ रहे हो। डेंस में क्या रहेगा, वही फाइबर्स क्या रहेंगे, डेंसली पैक रहेंगे ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। और स्पेशलाइज में क्या रहेगा बच्चों, कि समथिंग स्पेशल, मतलब क्या है, ये सेल्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कि कुछ स्पेशल फंक्शन कर रहे हो, कि क्या है, बॉडी ने उसको क्या किया है, उस तरह से अडेप्ट किया है, समझ रहे हो। अब क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फिर दोनों टाइप्स पड़ते हैं इसके, कौन कौन से, जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, कहाँ देखे थे, स्किन देखी थी हमने, स्किन की कौन कौन सी लेयर देखी थी, डर्मिस, एपिडर्मिस, लास्ट वन कौन सी देखी थी, सबक्यूटेनियस। डर्मिस में हमने क्या देखा था, क्या देखा था, डर्मिस में हमने देखा था कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रहती है, और जो सबक्यूटेनियस लेयर रहती है उसमें क्या, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। हमने उसका एग्जाम्पल कौन सा लिया था, कि जो न्यू बॉर्न बेबी रहती है उनकी जो चिक्स रहती है, वो चिक्स को जो पफी पफीनेस प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, जो एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू क्या करेगा बच्चों, फैट स्टोर करेगा, वही क्या करेगा, जो न्यू बॉर्न बेबी है उनको क्या करेगा, जो उनके चिक्स है उनको पफिनेस प्रोवाइड करेगा। अब उनके कंपैरिजन में जो ओल्ड एज ह्यूमन से, उनकी हम क्या देखते हैं, स्किन क्या रहती है, पेपर कॉटन टाइप रहती है, मतलब क्या है, उनमें एडिपोज टिश्यू कम है, समझ रहे हो। अब जो हमने देखे थे एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, कहाँ देखे थे, स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर है वहां देखे थे, वही लूज कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट से। एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, समझ रहे हो। अब क्या है एरियोलर टिश्यू, मतलब क्या कि वीकेस्ट है ये, मतलब क्या जो हम टाइप्स देखेंगे उन सब में क्या है, ये वीकेस्ट टिश्यू है। अब हम बायोलॉजी में देखते हैं जो क्या रहता है, वीक रहता है, वही उसकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, मतलब ये क्या रहेगा, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट। एरियोलर टिश्यू में हमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स नोट करने, और बाद में क्या हम इसके एग्जांपल देखेंगे। एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, फैट स्टोरिंग, जो हम देखते हैं इन जनरल लाइफ में, क्या आप मोटे होते जा रहे हो, आप मोटे होते जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, आपका एडिपोज टिश्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हम देखते, क्या हम क्या करते हैं, जब हमारा मोटापा बढ़ जाता है तब हम क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, जिम में जाके क्या करते हैं, मसल स्ट्रेन करके फैट स्टोरेज कम करते, फैट स्टोरेज समझ में आ रहा है, फिर फैट स्टोरेज एक्चुअल क्या है, एडिपोज टिश्यू है। अब एडिपोज टिश्यू में क्या रहता है बच्चों, कि कुछ सेल्स रहते हैं, कौन से सेल्स, एडिपोसाइट्स, जगह नहीं है बच्चों, कौन से सेल्स रहते हैं बच्चों, एडिपोसाइट्स, वो क्या एक्चुअल में क्या करेंगे, क्या करेंगे एडिपोसाइट्स, क्या करेंगे कि जो फैट स्टोरेज है, जो फैट ग्लोबुल्स है, उनको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। और सेम, अब आप बोलोगे सर आप एडिपोज टिश्यू में आपने सेल बता लिया, कौन सा सेल बता दिया हमने, एडिपोसाइट्स, अब वो सेल एरियोलर में एरियोलोसाइट हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है, एरियोलर और एडिपोज दो अलग कंसेप्ट है। एरियोलर में क्या है कि इट इज वीकेस्ट टिश्यू, अब हम क्या देखते हैं कि वीकेस्ट टिश्यू की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, मतलब कौन सी, मोस्ट अबंडेंट। एडिपोज में क्या है, फैट स्टोरिंग सेल्स है, कौन से सेल्स देखे हमने, एडिपोसाइट्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है सबको, उसका स्ट्रक्चर क्लियर है, उसके पॉइंट्स क्लियर है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाओ, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के रहते हैं बच्चों, दो टाइप्स के, कौन कौन से, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर, अब इनके नाम से ही पता चल रहा है, रेगुलर मतलब क्या, समथिंग विच आर इन लाइन और प्रॉपर अरेंजमेंट, मतलब क्या जो हम डेंस देखते हैं, जो पैकेजिंग रहती है उनकी, वो कैसी रहेगी, ऐसे, मतलब क्या एक लाइन में रहेगी, प्रॉपर अरेंजमेंट,
समझ रहे हो? और इरेगुलर में क्या रहेगा, कुछ ऐसे कुछ आड़े पड़े रहेंगे, कुछ टेढ़े पड़े रहेंगे। समझ रहे हो? जो पैकेजिंग रहती है मतलब बच्चों, वो क्या रहेगी, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रहेगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, जो प्रॉपर अरेंजमेंट थी, इनलाइनमेंट थी, उसकी जरूरत हमें क्यों नहीं पड़ी? मतलब आप कुछ फंक्शन रहेगा ना इनका। अब एक्चुअल में क्या रहता है, रेगुलरिटी क्या करती है, जो हमारी ऐसी और ऐसी पोजिशन रहती है, मतलब क्या, ये साइड और ये साइड से अगर हम दोनों साइड से खींचेंगे इसको, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इमेजिन करो कि एक रस्सी है, अब रस्सी को हम अगर लाइन में खींचेंगे तो वो क्या करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, वो टूट जाएगी, नहीं टूटेगी ना। मतलब क्या है, जब हम एक अलाइंट में किसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर टिश्यू। अब इरेगुलर में क्या होता है कि उनको पता ही है कि क्या हमें ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ कुछ कोई भी प्रोटेक्शन का काम करना है, मतलब हमें क्या करना है, पहले से अरेंजमेंट वही सी रखनी है। समझ रहे हो? अब क्या है, रेगुलर टिश्यू में भी फिर से दो टाइप्स पड़ते हैं, कौन कौन से, ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, 9-10 में आपने पढ़ा होगा, कौन सा, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, अब ये क्या करेंगे, किसी को भी तो भी जोड़ेंगे। अब टेंडन, इसकी ट्रिक क्या है, एमटीबी से याद रखो इसको, एमटीबी मतलब किसके और किसके, मसल और बोन के बीच में, कौन, टेंडन। और लिगामेंट की क्या है, बल्ब से याद रखो इसको, मतलब क्या, बीएलबी। अरे आपके घर में नहीं होता क्या बल्ब, बल्ब नहीं होता क्या आपके घर में, उसी बल्ब से क्या करने का है, याद रखने का, मतलब क्या, बोन टू बोन, उसके बीच में क्या, लिगामेंट। क्लियर है सबको? अब क्या सर, इरेगुलर की एग्जांपल बता दो। अब इरेगुलर क्या करेगा, पहले से मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा बना चुका है, मतलब क्या है, बॉडी ने ऐसे उसको अडेप्ट करके रखा है, मतलब ये क्या करेगा, कुछ तो भी कवरिंग फॉर्म करेगा। अब कवरिंग किसकी किसकी फॉर्म करेगा, सबसे पहले पेरिकार्डियम, ठीक है, सेकेंड वन पेरी मे बी ऑस्ट्रियम, शायद तक पेरी ऑस्ट्रियम। पेरिकार्डियम किसके कवरिंग है, अरे 9-10 के बच्चों को भी आता है, आपको नहीं आ रहा, किसकी, हर्ट की, पेरी ऑस्ट्रियम। ऑस्ट्रियम मतलब किसकी, अरे किसकी, बोन की कवरिंग। और एक कौन सी कवरिंग है, स्किन, स्किन की जो डर्मिस लेयर रहती है, उसमें हमने डेंस इरेगुलर इरेगुलर टिश्यू का एग्जांपल दिया था मैंने पिछली लेक्चर, अगर आपने लगाया नहीं तो वो क्या करो, पिछले पिछले पीछे जाके लगाओ। अब क्या है, स्पेशल कनेक्टेड टिश्यू, ये भी कितने टाइप्स के रहते हैं बच्चों, दो टाइप्स के, कौन कौन से, स्केलेटल एंड लिक्विड। स्केलेटल एंड लिक्विड, अब स्केलेटल में फिर से दो टाइप्स, कौन कौन से, बोन एंड कार्टिलेज। सबसे पहले कौन सा, बोन, सेकेंड वन कार्टिलेज, और लिक्विड में कौन से, ब्लड एंड लिम्फ। अब इसको क्या करो, जल्दी से अपनी कॉपी में बना लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी में जो होशियार बच्चे वो क्या करेंगे, उसको कॉपी में नोट करेंगे, अगर आप कॉपी में नोट करेंगे तो क्या होगा, आपकी याद में रहेगा। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ने को लोगे तो उसमें क्या रहता है बच्चों, कि ऐसे फ्लो चार्ट नहीं दिया रहता, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, पैराग्राफ देते हैं हमें, लेकिन पैराग्राफ से पढ़ने में क्या होती है, हमें दिक्कत होती है। तो कभी भी जब आप बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ले रहे हो तो उसको क्या करो, ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में सबसे पहले उसको बनाओ, इसके इससे क्या होगा, आपको उसको मेमोराइज करने में इजी जाएगा। बनाओ जल्दी से कॉपी में। ठीक है, बना लिया, इरेज कर दूं, पक्का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में हमने सबसे पहला टॉपिक कौन सा लिया था, कनेक्टिव टिश्यू। लाइन कौन सी है, कनेक्टिव टिश्यू इज आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर
बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल. कॉम्प्लेक्स एनिमल मीन्स कौन से, जो के मॉडर्न वर्टिब्रेज है, कौन से एनिमल से वर्टिब्रेज. वर्टिब्रेज मीन्स कौन, जो हम ह्यूमन बींग्स है, होमोसैपियंस है, वो कहाँ आएंगे, वर्टिब्रेज में आएंगे. उनकी बॉडी में क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट. क्या करो इसका पॉइंट नंबर एक ले लो. सेकेंड लाइन कौन सी, दे आर नेम हैज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ये क्या बात बोल रहे हैं कि द नेम कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या हमने पहले देखा कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या कर रहा है, कुछ कनेक्शन का काम कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, लिंकिंग का काम कर रहा है. मतलब इसको क्या करो, सेकेंड पॉइंट ले लो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे. और क्या कर रहा है, फंक्शन का काम कर रहा है, मतलब थर्ड पॉइंट. ठीक है, फिर क्या है, द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू विच आर, मतलब क्या है, इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ कहाँ डिवाइड हो चुके. इनकी रेंज क्या है, इंक्लूड्स कार्टिलेज बोन एडिपोज टिश्यू ब्लड. हमने पिछली स्लाइड में देखा था क्या, कि एडिपोज टिश्यू देखे थे, कार्टिलेजेस देखे थे, कहाँ देखे थे, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, वहां भी कहा, स्केलेटल टिश्यू में. बोन देखा था कहा, स्केलेटल टिश्यू में, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू में. ब्लड कहा देखा था, फाइब्रोब्लास्ट में. ठीक है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन. इसको हमने क्या बोला था बच्चों, इसको पॉइंट नंबर फोर्थ ले लो. इसको क्या बोला था, सेल कौन सी ली थी हमने, जल्दी कौन सी, फाइब्रोब्लास्ट, भूलना नहीं है. कौन सी सेल ली थी हमने, फाइब्रोब्लास्ट. क्या करती है वो, ब्लास्ट का मतलब हम लेंगे क्या, लेंगे कि जो एक्चुअल में ब्लास्ट होता है वो लेंगे क्या, नहीं. बायोलॉजिकल टर्म में इसको क्या बोलेंगे हम, कि ब्लास्ट मतलब विच फॉर्म समथिंग न्यू. क्लियर है, विच फॉर्म समथिंग न्यू, क्या फॉर्म कर रही हो, फाइब्रो. फाइब्रो मतलब क्या, फाइबर्स. यही तो लिखा है यहाँ, सीक्रेट फाइबर्स. इसके अलावा है क्या कुछ, ठीक है. और क्या, द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं. फिर भी इसको पॉइंट नंबर फाइव ले लो. ऐसे पॉइंट्स बनाओ बच्चों, यानी साइड आप जब पढ़ने लोगे, पेंसिल एक हाइलाइटर साथ में रखो और मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो. ऐसे नहीं कि नीले सर आपके सामने आ रहे और कुछ बकबक कर रहे. एक्चुअल में जो हम देख रहे वो क्या है, नीट पी वाई क्यूज है. वैसे मैंने पी वाई क्यूज लाए हैं, हम वो क्या करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे. ठीक है, द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टिश्यू, द सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाई पॉलीसेकेराइड. इसको हमने क्या बोला था, अरे क्या बोला था बच्चों, मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में क्या देखा था हमने, अरे क्या देखा था, प्रोटीन और कहा से कौन सी दो चीजों से बनती हो, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड क्या है, अरे क्या है बच्चों, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक ही फॉर्म है ना. कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स पड़ते हैं, तीन टाइप्स. सबसे पहले कौन सा, मोनोसेकेराइड, मतलब क्या, सिंगल कार्बन कंपाउंड मिलेंगे. सेकेंड वन कौन सा, ऑलिगोसेकेराइड, मतलब क्या, C2C9 क्या मिलेंगे, कंपाउंड्स मिलेंगे. और पॉलीसेकेराइड मतलब क्या, मोर देन 10 कार्बन, मतलब क्या, अरे यार बच्चों क्या कर रहे हो, मोर देन 10 टाइप 10 कार्बन जो कंपाउंड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड. ठीक है, फिर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाई इनटू थ्री टाइप्स. ये हमने देख लिया है, कौन कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर है सबको, हाँ भूलो मत यार, नोट्स निकालते चलो. हाँ ठीक है, आगे क्या है, कि लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस. इसको हमने क्या बोला था, क्या बोला था रे, मैट्रिक्स बोला था. अरे यस और नो, मैट्रिक्स बोला था. फॉर एग्जाम्पल एरियोलार टिश्यू प्रेजेंट बीनिथ द स्किन. अब क्या करेंगे हम, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, एरियोलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के. हम क्या करेंगे, ये स्लाइड बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या करेंगे हम, पहले ओवरऑल पढ़ेंगे. ठीक है, ये भी इस डायग्राम पे भी हम क्या करेंगे, बाद में आएंगे. ठीक है, ये डायग्राम सब क्लियर है सबको, ये डायग्राम समझ में तो आ रही होंगी ना. ये क्या है बच्चों, ये आप देख रहे हो, ये क्या है सब फाइबर से, ये फाइबर से, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, ये सेल कौन सी, अभी हमने देखी थी, कौन सी सेल है, ये फाइब्रोब्लास्ट. क्लियर है सबको, फाइब्रोब्लास्ट. अब क्या है, अब आपको देखो एग्जामिनर क्या करेगा, जो एनटीए कंडक्ट मतलब नीट एग्जाम कंडक्ट करेगा, वो क्या करेगा कि ऐसे पॉइंट दे देगा, यहाँ पे रिकमा कर देगा, ऑप्शन नंबर ये कर देगा, ऑप्शन नंबर बी इस सेल को बोल देगा, और यही क्या करेगा, ऑप्शन में डाल देगा.
अब आपको क्या है, ये डायग्राम आपको पहचान में आनी चाहिए आप जब एग्जाम फेस कर रहे हो, मतलब क्या कि आपको ये डायग्राम की जो कोई सेल्स है इनको क्या है पहचान में आना चाहिए। अब इसके इसमें तो देख रहे हैं क्या मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस को हमने क्या बोला था बच्चों, ये किसका लॉ, ये और इसकी किसका फॉर्म है, मोनोसाइट का। मोनोसाइट सेल ही बाद में क्या हो जाते हैं, अरे क्या हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस बन जाते कि नहीं, पिछली स्लाइड में हमने देखा था ना WBC के कौन कौन से टाइप्स देखे थे, ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट देखा था। वही मोनोसाइट जो रहता है वो क्या करता है आगे जाके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फाइब्रोब्लास्ट, क्लियर सबको। और ये देख रहे हो आप ये कोलाजन फाइबर्स, हाँ। अब क्या है ये मास सेल्स और ये इओसिनोफिल्स। अब क्या रहता है बच्चों, मास सेल्स ये देखा था हमने पिछली बार, ये किसका लॉन्ग फॉर्म है, मतलब किसका एडरेटिव फॉर्म है, बेजोफिल का। अब हम पहले पहले क्या करेंगे WBC का थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर एकदम डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना, फिर आपको क्या करेंगे बाद में इस डायग्राम पे आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। चलो तो WBC देखने का एक बार, तो WBC बच्चों तबीयत खराब है मेरी आज, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, देखो डेडिकेशन मेरा, फिर भी आप पढ़ते नहीं हो मेरे से, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स देखे थे हमने, अरे कौन से देखे थे जल्दी बोलो, ग्रैनुलो साइट्स, सेकंड कौन सा देखा था बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, अग्रैनुलो साइट, अग्रैनुलो साइट्स, क्लियर सबको। अब ग्रैनुलो साइट्स में हमने फिर से तीन टाइप्स कौन से देखे थे, सबसे पहले जो बेस एसिडिक डाइजेस्टर स्ट्रेन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल जो बेसिक डाइजेस्टर स्ट्रेन होता है वो बेजोफिल, और जो दोनों से स्ट्रेन नहीं होता वो न्यूट्रोफिल। और इधर कौन कौन से दो टाइप्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है इसको क्या करो जल्दी से कॉपी में बना लो। अब क्या है इनका स्ट्रक्चर, अब क्या रहता है जो इओसिनोफिल है ये सेल एक्चुअल में कैसे रहती है, ये हो गई सेल ग्रैनुल्स, मतलब इसमें क्या रहेंगे ग्रैनुल्स पड़े रहेंगे। अभी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे हेडफोन शेप का रहता है बच्चों, मतलब ऐसे हेडफोन शेप का रहता है ग्रैनुल्स रहेंगे। जो बेसोफिल है इसका भी लगभग लगभग हेडफोन हेडफोन जैसे रहता है, लेकिन क्या बाइलोब रहता है, मतलब एक्चुअल में हमें क्या है कि उसका ये एक्चुअल में हेडफोन दिख रहा है लेकिन बेसोफिल में ऐसा नहीं होता। अब जो न्यूट्रोफिल है ये क्या रहता है, जब ये छोटा सेल रहता है तब उसमें एक न्यूक्लियस, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे क्या होता है, दो तीन चार पाँच छ ऐसे क्या मल्टी न्यूक्लियर सेल रहता है, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं PMNL, PMNL मतलब क्या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉली मतलब क्या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मार्फो मतलब क्या है दिख रहा है, मार्फो मार्फोलॉजी का मतलब क्या है जो हम ऊपर से देख रहे हैं, हम माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देख रहे हैं कि ये मोर देन मल्टी न्यूक्लियेटेड है, न्यूक्लियर मतलब क्या है न्यूक्लियस में, और ल्यूकोसाइट मतलब WBC का ये एक फैंसी नाम क्या है बच्चों, ल्यूको साइट, ठीक है। अब मोनोसाइट में क्या रहता है, न्यूक्लियस किडनी शेप का रहता है, मतलब ऐसा ये हो गई किडनी शेप, ठीक है क्या हो गया किडनी शेप। अब सेम वही क्या रहेगा लिम्फोसाइट में कि एंटायर जो ये रहता है इसका न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस पूरा ढका रहता है इससे, पूरा ऐसे साइटोप्लाज्म पूरा क्या कर लेता है वो बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है सबको, ठीक है ना। अब क्या रहता है, हाँ हमने बोला था क्या ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट में इओसिनोफिल क्या करेगा एसिडिक डाइजेस्ट स्ट्रेन होगा, कौन स्ट्रेन होगा जो इसके ग्रैनुल से वो क्या होंगे स्ट्रेन होंगे, बेसोफिल में क्या होगा बेसिक डाइजेस्ट स्ट्रेन होगा कौन ग्रैनुल्स, न्यूट्रोफिल में दोनों भी स्ट्रेन नहीं होगा, लेकिन ये क्या है PMNL है, PMNL मतलब क्या पॉली मार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मतलब क्यों कि मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। मोनोसाइट में क्या है किडनी टाइप किडनी शेप का न्यूक्लियस है,
और लिम्फोसाइट में क्या है कि एंटायर जो साइटोप्लाज्म है वो किससे ढका हुआ है, न्यूक्लियस से ढका हुआ है। अब जो होशियार बच्चे वो क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर है सर्कुलेशन का, उधर से क्या उधर जाके क्या करेंगे, इसका परसेंटेज भी लिख लेंगे। इसको जल्दी से आप क्या करो, कॉपी में बना लो जल्दी, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, कंटिन्यू करना है। ठीक है, ले लिया, आगे कंटिन्यू करते। अब हमारी डायग्राम पे आ जाओ जल्दी, डायग्राम। हाँ ठीक है, अब डायग्राम में हमने सबसे पहले क्या देखा था, मैक्रोफेजेस क्लियर है। अब सेकंड कौन सी, ये फाइब्रोब्लास्ट क्लियर है। अब आपको ये हेडफोन शेप का न्यूक्लियस दिख रहा होगा, हेडफोन शेप का न्यूक्लियस दिख रहा है सबको, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अरे यही तो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल नहीं, कौन सा, इओसिनोफिल। क्लियर है, ये मास सेल्स, ये कौन सा है, बेसोफिल दिख रहा है, किडनी अपना ये बाइलोब स्ट्रक्चर, ये कौन सा है, बेसोफिल। अब इधर दिख रहा है मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, ये देखो ये एक न्यूक्लियस हुआ, ये एक ट्राई न्यूक्लियेटर दिख रहा है, ये कौन सा सेल है, न्यूट्रोफिल। आपको ये बच्चों मार्क करने के लिए आना चाहिए एग्जाम में, इसलिए देख रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक एक ये सेल दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये देखो ऐसा सेल है, ये बना, इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, जो इसका न्यूक्लियस है ये पूरा भरा हुआ है, न्यूक्लियस नहीं है, क्या है, और एक स्ट्रक्चर साइड में से अंगूठी जैसे पड़ा हुआ है। अरे आप एक्चुअल में ये क्या है, ये बच्चों ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल। एक्चुअल में ये सेल कौन सा है, अरे कौन सा है, एडिपोसाइट। एक्चुअल में जो तुम्हारा फैट स्टोर होने वाला है वो कहाँ स्टोर होने वाला है, इस फ्लैट फैट ग्लोब्यूल में, ये कौन सा सेल है, एडिपोसाइट्स। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर कहाँ दिया है, यही देख रहे हो, ये एंटायर क्या है, पूरा ये फैट स्टोरिंग मटेरियल है, इसको क्या बोलेंगे हम, फैट ग्लोब्यूल, और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है, मार्किंग्स और कुछ रहा, ये फाइबर्स, ये मे बी कोलाजन, जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे वो कौन से होंगे, कोलाजन, और जो आपको पिंक कलर के दिख रहे वो कौन से, इलास्टिक फाइबर। ठीक है, क्लियर है सबको डायग्राम, आगे बढ़ना है। चलो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, एरियोलर टिश्यू के और एडिपोस टिश्यू के। ठीक है, सबसे पहले क्या, एरियोलर टिश्यू हमें कहाँ मिलेगा, हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या देखा था बच्चों, कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी लेयर, एक्चुअल जो कि एपिथेलियल सेल से वो, और उसके नीचे हमने कौन सी देखी थी, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर देखी थी। अब एक्चुअल में जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है वही कौन सी है, एरियोलर टिश्यू है, एरियोलार, देख रहे हो बच्चों, कौन सी, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, कौन सी लेयर ये, एरियोलर टिश्यू। अब हमने कहा देखा था अभी, एरियोलर एडिपोस टिश्यू, स्किन का एग्जांपल लो, स्किन का स्ट्रक्चर देखा था हमने, क्या देखा था, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर स्ट्रेटिफाइड सेल्स, उसके ऊपर कौन से, स्क्वैमस सेल्स, इसके नीचे हमने एक लेयर देखी थी कौन सी, कनेक्टिव टिश्यू की, एक कौन से कनेक्टिव टिश्यू की थी, उसके नीचे और एक देखी थी, दो लेयर, कौन कौन सी ये लेयर, जल्दी से नाम बताओ, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कौन सी, डर्मिस, ये सबक्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, इसको भूलो मत, सब क्यूटेनियस लेयर में हमने डर्मिस में कौन सी लेयर देखी थी, डेंस इरेगुलर, और जो सब क्यूटेनियस लेयर थी उसमें हमने क्या देखा था, एरियोलर, और अरे यार स्पेलिंग बच्चों देख रहे हो, दिमाग के तार भिड़ने लगे अब, एरियोलर और एडिपोज। ठीक है, एरियोलर के इतने एग्जांपल लेने हमें। ठीक है, एरियोलर के कौन कौन से, स्किन और ये अपना एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब एडिपोज टिश्यू, एडिपोज के एग्जांपल्स कौन कौन से लेते हैं हम, कौन कौन से लेते हैं जल्दी, फैट स्टोरिंग मतलब स्किन,
गुड एग्जाम्पल है। और कहा ये कवरिंग्स बनाता है जनरली बच्चों, कहा कौन कौन से, आई, किडनी और एक था शायद, कवरिंग्स किसकी बनाता है, फॉर्म्स कवरिंग किस किस की, आई, किडनी और एक था शायद, तब याद नहीं आ रहा, ठीक है इसको एनसीटी में से देख लो। हाँ ठीक है, एडिपोज और एरोलर के एग्जांपल्स क्लियर है सबको, हमने क्या देखा था, मोस्ट अबंडेंट, हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा था ना, मोस्ट अबंडेंट सेल है, ये एरोलर भी देखा था, क्या है मोस्ट अबंडेंट है, मतलब क्या है, जहाँ जहाँ एपिथेलियल मिलेगा हमें वहाँ क्या मिलेगा, एरोलर टिश्यू मिलेगा, स्किन, इंटर स्किन इज किससे, ये एरियोलर टिश्यू से, एडिपोज का ये भी एग्जाम्पल है स्किन का, और बाद में क्या है वो आइज और किडनीज बनाता है, और एरियोलर क्या करता है बच्चों, पैकेजिंग, पैकेजिंग का भी काम करता है ये, इसलिए इसको यहां भी ले सकते हैं। मतलब कितने कितने एग्जाम्पल्स हो गए, एक दो और तीन, और इसके एक दो एग्जाम्पल्स क्लियर है, नोट करो जल्दी से, एक बार जल्दी से कर लिया, ठीक है क्लियर है सबको, थोड़ी सी एनसीटी पढ़ ले, एनसीटी में जो हमने पॉइंट्स देखे थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज इन द सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस, कौन सा मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल एरोलर टिश्यू प्रेजेंट बेनिथ द स्किन, कहा देखा था हमने सबक्यूटेनियस लेयर में, ऑफन इट सर्व्स एज द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू के जो नीचे क्लियर रहती है वो भी एरोलर टिश्यू, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स, इसमें क्या रहेंगे, फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे, सिर्फ कहां नहीं रहेंगे, ब्लड में, ठीक है, और क्या, सीक्रेट मैक्रोफेजेस एंड मास सेल्स जो हमने डायग्राम में देखे थे। एडिपोज टिश्यू में आ जाओ, एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बेनिथ द स्किन, कहा सबक्यूटेनियस लेयर में, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज स्टोर फैट, फैट ग्लोब्यूल्स, देखा था हमने, क्या देखा था, फैट ग्लोब्यूल में स्टोर होते हैं या नहीं, ठीक है, बाद में क्या है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर इन द टिश्यू, ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब क्या कि जो आप एक्चुअल में जो के जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, आप अगर आपने शुगर खाई आज, तो ऐसा नहीं ना कि वो डाइजेस्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं क्या करेगी बॉडी आपकी, स्टोर करके रखेगी, शुगर मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट है, किसका न्यूट्रिएंट है, किस टाइप का न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है, वो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर करके रखेगी, मतलब क्या है कि शुगर खाना नहीं है, अगर आपको शुगर ज़्यादा खा लिया आपने तो वो क्या करेगी, बॉडी आपकी स्टोर करके रखेगी, और स्टोर करने के बाद क्या करेगी, आपका समझ रहे हो ना, फिर ऐसा हो जाएगा फिर, इसलिए क्या करो, रनिंग करते रहने का है, समझ रहे हो, क्लियर है सबको, ठीक है आज इतना ही कवर करेंगे हम, बाद में जो हमारा रह गया है, क्या कह रहे गए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब क्या है, थोड़े पी आई क्यू करने हैं, क्या पी आई क्यू लाए थे मैंने एपिथेलियल टिश्यू के, शायद हाँ चलो पी आई क्यू सॉल्व करो जल्दी जल्दी ये, हाँ ठीक है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू आर करेक्ट एक्सेप्ट, जल्दी से पढ़ो, क्या, द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विद लिटल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, ये तो हमने पहली लेक्चर में देखा था, क्या कि सेल कम्पैक्टली पैक है, उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी, हमने इसको क्या बोला था, इंटरसेलुलर स्पेस बोला था, ठीक है, सेकंड क्या बता रहा है वो, दे डू नॉट हैव वैस्कुलर सप्लाई ऑफ देयर ओन, बताया था उनका ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, वो ब्लड सप्लाई कहां से लेते हैं, अरे कहां से लेते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू से, ये याद रखना है, बताया था, अरे बताया था ना, क्या बताया था, लेयर रहती है उसको सप्लाई कहाँ से आता है, नीचे से आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, मतलब क्या करो, स्टेटमेंट क्लियर करो, सेकंड क्या है, सेल जंक्शंस आर वेरी वेल डेवलप इन एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में हमने सेल जंक्शंस देखे थे या नहीं, मतलब ये क्या कर लग रहा है, करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है वो, इसको हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, दे आर रेस्ट ऑन सेलुलर मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन, अरे इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, अरे कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर सबको, अरे क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन पे जाना है, द फिगर शोज डिफरेंट ह्यूमन टिश्यू लेबल हैज ए टू डी,
विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेबल इट्स लोकेशन एंड वन फीचर. मतलब क्या ऑप्शन नंबर ये देखते, क्या डी, ये डी दिया हुआ है. एक्चुअल में ये सिलेटेड सेल्स दिख रहे, इसका डायग्राम एन सी आर टी में दी हुई है हमारे. क्या इन्हें सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल है, ग्लोबलेट सेल तो है ही नहीं, मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है. बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बी क्या है, स्क्वैमस सेल से. स्क्वैमस तो ये है ना, ये तो कौन से सेल है, क्यूबॉइडल सेल से. मतलब क्या है, ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, कि जो ए है वो कौन से क्यूबॉइडल है, मतलब क्या है, ये भी रॉन्ग है, ये तो क्यूबॉइडल है ही नहीं ना. ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, जो ऑप्शन सी है ये कौन से कोलिमनरी एपिथेलियल है और लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. हमने फंक्शन देखा था कोलिमनर और क्यूबॉइडल का, फंक्शन क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. और ये स्टमक, एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइंड बाय, एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइंड बाय, जल्दी बोलना है, क्या कौन से कोलिमनर सेल्स, वो भी कौन से कोलिमनर सेल्स, सिलेटेड कोलिमनर सेल्स. मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट है. ठीक है, इजी है. मतलब ऐसे आपको ऑप्शंस कट करने आने चाहिए बच्चों, ऐसे नहीं कि आप बड़ा क्वेश्चन देख रहे हो, बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद घबरा रहे हो. ऐसा करने का है क्या, नहीं करने का है. ठीक है, आगे चलो. इंटरकैलेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिक मसल फाउंड इन, अरे ये तो गोल्डन क्वेश्चन हो गया, क्या हर्ट हो गया. हाँ ठीक है, अब कौन सा, टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जाम्पल ऑफ, अभी फ्लो चार्ट में देखा था हमने, जल्दी क्या देखा था, टेंडन एंड लिगामेंट कहाँ देखा था हमने, डेंस रेगुलर में देखा था, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में. मतलब ऑप्शन नंबर ए. देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चन सारे, सिर्फ आपको क्या करने का बच्चों, पढ़ने का है. एडजेसेंट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय, देखा था हमने, कहाँ देखा था, हार्ट की मसल में. दो दो जंक्शन देखे थे, एक गैप जंक्शन और दूसरा डेस्मोसोम्स. गैप जंक्शन क्या कर रहा था, जो सिग्नल है, सिग्नल कौन, मतलब डीपोलराइजेशन का जो सिग्नल है, कौन लेके आ रहा था, वो सोडियम आयंस. और दूसरा कौन सा, डेस्मोसोम्स देखा था, वो क्या करेगा, इंटरकनेक्ट करेगा सेल को, टाइटली पकड़ के रखेगा. मतलब क्या, वैक्यूल्स तो हो ही नहीं सकता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं. मतलब क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए, ये सब पीआईक्यूज है. मतलब देख रहे हो आप, ध्यान से लेक्चर सुनोगे फिर भी दो तीन क्वेश्चंस राइट करके आओगे नीट में. इसलिए क्या करो, लेक्चर लगाया करो, नोट्स लिखा करो उनके. ऐसे नहीं कि नीले सर पढ़ा रहे बस, ऐसे बैठ बैठ के देख रहे हो आप, ऐसे करने का क्या हमें, नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल्स एंड फॉलोपियन ट्यूब, इजी क्वेश्चन. फॉलोपियन ट्यूब में कौन सा सेल मिलेगा हमें, सिलेटेड सेल. क्या करेगा बच्चों, जो हमारा ओहम है उसको कहाँ तक ले जाएगा, अरे कहाँ तक ले जाएगा, एम्पुला तक ले जाएगा. स्क्वैमस तो नहीं मिलेगा, ग्लैंडुलर तो चांस ही नहीं, क्यूबॉइडल भी नहीं मिलेगा. क्यूबॉइडल पर मिलेगा लेकिन कौन सा, सिलेटेड क्यूबॉइडल मिलेगा. लेकिन कंफ्यूजन करो ना, का कंफ्यूजन मत करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन सेलुलर लेयर दैट कनेक्ट्स इनर सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू टू द कनेक्टिव टिश्यू, जल्दी. इपिडर्मिस तो स्किन में मिलता है, डर्मिस भी नहीं हो सकता, आइदर टू और थ्री से हो ही नहीं सकता. बेसमेंट मेम्ब्रेन देखा था, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती वो क्या रहती, नॉन सेलुलर लेयर, उसके ऊपर इपिथेलियल, उसके ऊपर नीचे कनेक्टिव टिश्यू. मतलब इपिथेलियल और कनेक्टिव को कनेक्ट कौन कर रहा है बच्चों, कौन कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, याद रखो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए. स्मूथ मसल ऑकर्स इन, बताओ जल्दी, सॉरी, विसरा. विसरा मतलब क्या, इंटरनल ऑर्गन्स. विसरा एक्चुअल में क्या रहता है बच्चों, जो इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरा बोलते हैं. इसमें भी पराइटल और विसरल दो प्रकार की विसरा रहती है, उसको हम क्या, प्लूरा नाम से भी बुलाते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स तो स्टमक की लाइनिंग वगैरह में तो स्मूथ मसल मिलेंगे, ब्लड वेसल्स में भी मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मस्कुलरिस में मिलेंगे. मतलब क्या, ऑल ऑफ दी अबव, क्लियर है. सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट, सुडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कवर्स द इनर लाइनिंग ऑफ, एक ही एग्जाम्पल बताया था इसका, कौन सा बताया था, एल्वेओलाई में कौन सी मिलेगी बच्चों, कौन सी मिलेगी, स्क्वैमस. ब्रोंकियल्स में कौन सी मिलेगी, ब्रोंकियल में कौन सी, शायद तक लोअर ट्रैक्ट में तो ये मिलेंगे ना हमें, सिलेटेड क्यूबॉइडल मिलेगी. मतलब क्या ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकिया में देखा था ना हमने, जो कोलुमनर सिलेटेड सेल्स रहते उसी उसी में क्या करते हैं हम,
सोलर स्ट्रेटिफाई को भी ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मैच पेयर्स, टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं, करेक्टली मैच। ये तो सही लग रहा है ना, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या देखा था, दो टाइप्स देखे थे, कौन कौन से, स्केलेटल और लिक्विड। इसमें कौन कौन से देखे थे, ब्लड और लिम्फ। अरे देखे थे, नहीं देखे थे। और ये कौन से देखे थे, बोन एंड कार्टिलेज। मतलब क्या, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज तो हमने कहा देखा था बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखा था, एरियोलर टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, परफॉर्मिंग द सिमिटिंग एंड कीप नाइबरिंग सेल्स टूगेदर, नो, फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म टू द रैपिड। आयंस, कौन से आयंस, एन ए प्लस आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कर सकता है ट्रांसफर, सम लार्ज मॉलिक्यूल्स थ्रू एटीपी कर सकता है ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ एपिथेलियल विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, स्क्वैमस सेल्स। देखा था हमने, तीन पांच एग्जांपल्स देखे थे, सबसे पहले कौन सा, लूप ऑफ हेनले, कहाँ का, किडनी के, नेफ्रॉन का। सेकेंड, एल्वियोली ऑफ लंग्स, ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स, ठीक है। आज के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इतने क्वेश्चन रखेंगे, अगली बार मैं तुम्हारे लिए ऑल क्वेश्चन लाऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो रहा है ना इससे, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, मतलब आप पढ़ रहे हो, बाद में क्वेश्चन लगा पा रहे हो उसके रिलेटेड, मतलब क्या हो रहा है, आपका पढ़ने का कुछ फायदा हो रहा है। ये सब आप जो देख रहे हो वो क्या है, सब PYQs है। PYQs मतलब क्या, जो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन है, मतलब आप कॉन्फिडेंस लगा पा रहे हो इन क्वेश्चन को, मतलब क्या हो रहा है कि आपकी पढ़ाई 100% प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर वे में चल रही है। अगर ऐसे ही आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो क्या करो, रेगुलरली वीडियो देखा करो, वीडियोज की नोट्स निकाला करो, और क्या करो उसको पढ़ो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, भूलो मत। क्या रहता है, बायो का सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड रहता है बच्चों, ऐसा नहीं कि एक बार सब्जेक्ट पढ़ा हमने उसको बाद में 2-3 महीने बाद देखेंगे, ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है कि रिवाइज करते चलना है, ठीक है। तो इसका क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन, अभी देखे थे हमने एग्जाम्पल्स, डेंस इरेगुलर डेंस टिश्यू देखे थे हमने, उसमें दो टाइप्स कौन कौन से, रेगुलर एंड इरेगुलर। अरे देखे थे, नहीं देखे थे, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में फिर से दो टाइप्स देखे थे, कौन कौन से, टेंडन एंड, अरे जल्दी बोलो, टेंडन और लिगामेंट, और इरेगुलर में पेरिकार्डियम, पेरिओस्टियम और स्किन। अरे देखे थे, नहीं देखे थे बच्चों, इतनी जल्दी भूल गए क्या, क्या पेरी कार्डियम, ठीक है, पेरी ऑस्ट्रियम और स्किन, स्किन की भी कौन सी लेयर, कौन सी लेयर, डर्मिस लेयर, भूलो मत इसको। ये फ्लो चार्ट अभी हम पीछे पढ़ के आए, अभी उसी को क्या करो, क्वेश्चन से रिलेट करो, देखो लग रहा है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन, डेंस इरेगुलर, इधर जाओ, इसमें देखने की एग्जांपल्स कौन कौन से, टेंडन है क्या, टेंडन कहाँ आ रहा है, डेंस रेगुलर में आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपको काटने आने चाहिए, ठीक है। लिगामेंट फिर से कहाँ आ रहा है, डेंस रेगुलर मतलब नहीं हो रहा है। स्किन, डेंस इरेगुलर में स्किन दिख रहा है, स्किन की कौन सी लेयर में, डर्मिस लेयर में, मतलब ये ऑप्शन हम मान सकते हैं, मतलब इसको क्या करो मार्क करके चलो। और तीसरा क्या, फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, कार्टिलेज। अब हम कार्टिलेज कहाँ देखा था हमने, कहाँ देखा था, स्पेशलाइज में देखा था, अब देखा था, नहीं देखा था, स्पेशलाइज में क्या देखा था हमने, स्केलेटल और कौन सा, लिक्विड। स्केलेटल में पर फिर से दो टाइप्स देखे थे, कौन कौन से, बोन और कार्टिलेज। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन ले रहे हो फिर हम सिर्फ उसका करेक्ट आंसर देख रहे हो, उसके रॉन्ग आंसर भी हमें देखने के, कि एक्चुअल में वो रॉन्ग आंसर क्यों नहीं है। आप सबको क्लियर है, टेंडन कहाँ मिलेगा आपको, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगा, लिगामेंट भी सेम, स्किन ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट होगा इसमें। कार्टिलेज कहाँ मिलेगा हमें, स्पेशलाइज स्केलेटल टिश्यू में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको, आपकी रिवीजन भी होगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन इन द बॉडीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल,
लेक्चर के स्टार्ट में क्या क्या बोला था मैंने कि क्या एनसीईआरटी की एक्चुअल जैसी लाइन है वैसी लाइन क्या कहाँ आएगी एग्जाम में आएगी। अब सेम लाइन इसको अब देखो, अब एनसीईआरटी साथ में लाया हूं मैं, सेम लाइन है कि नहीं। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। बॉडी भी कौन से, कॉम्प्लेक्स एनिमल में। सेम लाइन है या नहीं। अब क्या है, सिर्फ इसको क्वेश्चन से क्या करने का, हमें रिलेट करने का है, इजी बीजी। ठीक है, क्या है, द मोस्ट अबंडेंट कौन सा टिश्यू है जो पढ़ रही हुई, क्या कौन सा, कनेक्टिव इपिथेलियल तो नहीं होगा, मस्कुलर तो नहीं होगा, न्यूरल सेकेंड मोस्ट होगा। ठीक है ना, क्या करेगा न्यूरल टिश्यू, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाने के, स्मूथ मसल्स, ये पढ़ा है, ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्या, स्मूथ मसल्स आर, आप क्या करेंगे, हम स्मूथ मसल एक बार रिवाइज करेंगे। स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर कैसे देखा था हमने, स्मूथ मसल जल्दी से रिवाइज करो। सबसे पहले क्या देखा था हमने, सबसे पहले हम, हमारा सिक्वेंस कौन सा है, स्ट्रक्चर फंक्शन एंड एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा था इसका, अरे जल्दी बोलो कैसा था, स्पिंडल शेप था या नहीं, अरे था या नहीं बच्चों। स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शंस क्या था इसका, स्मूथ मसल क्या करेंगे, इनर लाइनिंग ऑफ जो हमारी क्या है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, उनको क्या करेंगी, कवरिंग फॉर्म करेंगी। अब इनके हमने क्या देखे थे, फंक्शंस देखे थे क्या, कि अनस्ट्राइटेड मसल्स है, अरे है या नहीं है, अनस्ट्राइटेड है, और क्या यूनि न्यूक्लेटेड है। ठीक है, अब उसी को रिलेट करो, और इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म, मतलब क्या बीच में से फुला हुआ है और दो साइड से क्या हो रहा है, टैपरिंग एंड हो रहा है। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है, इसको हम मूव नहीं कर सकते, मतलब है फ्यूजिफॉर्म भी है, नॉन स्ट्राइटेड, मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं हम, बात क्या क्या करेंगे हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में हमारा क्या रहेगा, डेंस इरेगुलर और स्पेशलाइज अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक क्या करो, जो नोट्स आपको मिली है उनको क्या करो, रिवाइज करो बच्चों, और रिवाइज करके उनकी जो के मेन मेन पॉइंट्स है वो निकालो, एमसीक्यू देखो, पीवाईक्यू तो सॉल्व करके लिए ही मैंने, लेकिन क्या करो, खुद से एमसीक्यू बनाओ। मतलब आपका क्या होगा, प्रॉपर वे में, मतलब आप एक कदम का किस कि, किन लोगों से आगे रहोगे, एनटीए से एक कदम आप आगे रहो। क्या करो बच्चों, आपने एक पैराग्राफ लिया एनसीईआरटी का, उसमें से देखो कौन कौन सी एमसीक्यू पॉसिबल है, मतलब कौन कौन सी एमसीक्यू पॉसिबल वे में आपको बना सकते हो आप, वो एमसीक्यू बनाओ, मतलब उसी आने वाला तो उसी में से ही है ना। एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस जाते नहीं, एक आध क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चंस मैक्सिमम आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, लेकिन आपको 85 क्वेश्चन पे फोकस करना है, आपको 85 मार्क्स 100% अपने क्या करने, सिक्योर करने, सॉरी 340 मार्क्स, 85 क्वेश्चंस आपको क्या करने, सिक्योर करने। ठीक है, तो आप क्या करो बच्चों, कि एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी का पैराग्राफ लो एक, वैसे कनेक्टिव टिश्यू में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एनसीईआरटी भी कवर कर ली, उनके क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, फिर भी क्या करो, एक बार रिवाइज करो, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, बात कर पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।